यू नो इंडियन सिनेमा ने हमें कई सारी ऐसी मूवीज़ दी हैं जिनको देखने के बाद हमारी जो इज्जत है वो सिनेमा के बारे में और भी ज्यादा बढ़ जाती है तो इस वीडियो में मैं आपको पांच ऐसी मास्टरपीस मूवीज रिकमेंड करने वाला हूं दैट यू डेफिनेटली नीड टू वॉच बिफोर यू डाई फर्स्ट पोजीशन पे आती है एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग फिल्म जिसका नाम था तारे जमीन पर और ये फिल्म 2007 में रिलीज हुई थी फिल्म की स्टोरी रिवॉल्व करती है ईशान के कैरेक्टर के अराउंड जिसके स्कूल में जो ग्रेड्स और मार्क्स है वो बहुत ही ज्यादा पुअर होते हैं लेकिन उसके बाद उसकी लाइफ में एक ऐसे टीचर की एंट्री होती है जो कि ना सिर्फ उसकी प्रॉब्लम समझता है लेकिन उसके पेरेंट्स को यह भी समझाता है कि उनका बच्चा डिस्टलेक्सिया का पेशेंट है द रीजन ये फिल्म मास्टर बनी क्योंकि ये फिल्म पेरेंट्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देती है कि दुनिया में जितने भी बच्चे होते हैं वो अपने आप में काफी ज्यादा स्पेशल होते हैं तो अगर हम बच्चों को आपस में कंपेयर न करके उनके टैलेंट के लिए अप्रिशिएट करें तो वो उस फिल्म में वंडर्स कर सकते हैं इन शॉर्ट आमिर खान की फर्स्ट डायरेक्टोरियल फिल्म अपने आप में एक जेम है और टू और फोर्टी टू मिनट के रन टाइम के साथ ये फिल्म आपको फ्री में यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी जिसके बाद फोर्थ पोजीशन पे एक ऐसी फिल्म आती है जिसने इंडियन सिनेमा में कॉमेडी जॉनरा को लिटरली रीडिफाइन कर दिया था फिल्म का नाम था हेरा फेरी जो कि ईयर 2000 में रिलीज हुई थी फिल्म की स्टोरी तीन कैरेक्टर्स को फॉलो करती है राजू श्याम और बाबू राव और इन तीनों को ही अपनी लाइफ में पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और फिर एक दिन उनके घर में ऐसा क्रॉस कनेक्शन लगता है जिससे उनको एक ऐसी स्कीम मिल जाती है जिससे वो लाखों रुपए कमा सकते हैं जहाँ ऑनेस्टली बोलूँ तो इस फिल्म के सीन्स डायलॉग्स पंचेस इतने ज़्यादा आइकॉनिक है कि आज के डेट में कॉमेडी फिल्म होते हुए भी इसकी गिनती एक कल्ट क्लासिक में होती है इनफैक्ट राजू शाम और बाबू राव के जो कैरेक्टर्स हैं वही अपने आप में इतने ज्यादा फैन फेवरेट हो गए हैं कि पब्लिक ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि जब भी हेरा फेरी थ्री बनेगी तो बॉक्स ऑफिस लिटरली तबाही मचा देगी तो बेसिकली प्रिय दर्शन सर की जो कॉमेडी फिल्म की वेव थी वो हेरा फेरी फिल्म से ही शुरू हुई थी और टू वार्टी थ्री मिनट के रन टाइम के साथ ये फिल्म आपको प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी जिसके बाद थर्ड पोजीशन पे एक ऐसी फिल्म आती है जो कि कहीं से भी एक नॉर्मल लव स्टोरी नहीं बल्कि एक एपिक लव स्टोरी है फिल्म का नाम था वीर जारा जो कि दो में रिलीज हुई थी कहानी रिवॉल्व करती दो कैरेक्टर्स वीर और जारा के अराउंड जहाँ वीर इंडिया से होता है वहीं ज़ारा पाकिस्तान से होती है डेस्टिनी उनको मिला तो नहीं 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 देती है प्लस उनको प्यार भी हो जाता है लेकिन प्लस कुछ की से, हो जाती है कि वीर और जारा का लेवल जा जा टच कर लिया हो और उसका रीजन यह राइटिंग डायलॉग परफॉर्मेंसेस सारी की सारी चीजें इतनी ज्यादा परफेक्ट है कि आप चाह के भी फिल्म में एक गलती नहीं निकाल सकते और शायद इसी वजह से वीर जारा फिल्म के बारे में कहा जाता है कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई भी फिल्म देखी है आपको लिटरली ऐसा लगता है कि आपने अपने आप में एक जिंदगी जी ली है इन शॉर्ट दिस फिल्म इज एन एब्सोल्यूट मास्टर और तीन घंटे बारह मिनट के रन टाइम के साथ ये फिल्म आपको प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी जिसके बाद सेकंड पोजीशन पे एक ऐसी फिल्म आती है जिसने हमें फ्रेंडशिप प्लस एजुकेशन सिस्टम का रियल मतलब समझाया था फिल्म का नाम था थ्री डो की दो हजार में रिलीज हुई थी स्टोरी तीन कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है रैंचो फरहान और राजू जो कि फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में मिलते हैं तीनों फ्रेंड्स भी बन जाते हैं पर फिर एक दिन अचानक रैंचो गायब हो जाता है और ऐसे में फरहान और राजू एक जर्नी पे निकलते हैं रैंचो को ढूंढने के लिए यू यूनो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस फिल्म को रिलीज हुए अप्रॉक्सिमेटली पंद्रह साल हो चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी फिल्म में जितने भी लाइफ लेसन दिए गए हैं या फिर मैसेज दिए गए हैं वो आपको आज भी रेलिवेंट लगेंगे

उसका एक्सपीरियंस आज तक कभी भी इंडियन सिनेमा में रेप्लीकेट नहीं हो पाया है फिल्म का नाम था बजरंगी भाई जन, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी स्टोरी फॉलो करती है पवन के कैरेक्टर को जो कि इंडिया में रहता है और यहीं पे उसको एक दिन एक गूंगी लड़की मिलती है जो कि पाकिस्तान को बिलोंग करती है तो ऐसे में जब पवन को ये रिलाइज होता है कि वो बच्ची अपनी फैमिली से गलती से खो गई है तो पाकिस्तान की तरफ एक जर्नी लेता है ताकि वो उसी बच्ची को अपने घर तक छोड़ सके की सबसे यूनिक बात क्या थी कि जहां इस फिल्म से पहले सभी लोग सलमान खान के बारे में ये कहते थे कि वो अपने करियर में सिर्फ एक्शन फिल्म कर सकते हैं वही इस फिल्म ने प्रूव किया कि सलमान खान एक सादगी भरे रोल को भी बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रे कर सकते हैं प्लस इस फिल्म की राइटिंग जो कि एस एस राजमौली के फादर विजय प्रसाद ने की थी और इस फिल्म का डायरेक्शन जो कि कबीर खान ने किया था दोनों ही अपने आप में इतनी ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी थी कि जब इस फिल्म का क्लाइमैक्स सीन आता है तो थिएटर में हर एक इंसान की आंखें नम हो गई थी इन शॉर्ट ये एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जिसके लिए सलमान खान के फैंस आज भी क्रेव करते हैं और टू और थर्टी टू मिनट के रन टाइम के साथ ये सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आपको हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगा बाकी मैंने कुछ और भी कमाल की मूवीज रिकमेंड की हैं तो उन वीडियोस को भी जरूर चेकआउट करना